हमने फर्स्ट लेयर को कंप्लीट कर लिया है, अभी हम सेकंड लेयर कंप्लीट करेंगे। सो जो एज पीसीज है एक्चुअली सेकंड लेयर में, आप देखोगे कि सेंटर ऑलरेडी फिक्स है। सो ओनली 1 2 3 4 ये एज पीस हैं जो हमने सही पोजीशन पे सेट करने हैं। तो उसके लिए कुछ एल्गोज हैं जो मैं आपको बताऊंगा, वो आपको फॉलो करना है, सिंपल है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको जस्ट चेक करना है ऊपर अपर लेयर जो, इसको आपको आप ऐसे थे तो आपको आपको अपोजिट में लेके जाना है, मीन्स अभी येल्लो सेंटर ऊपर आ जाना चाहिए। तो ये करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि अभी हम चेक करेंगे कि ब्लू एंड रेड, तो यहाँ पे ब्लू होना चाहिए और यहाँ रेड होना चाहिए। तो ये पीस कहाँ है, ये पीस हमको यहाँ ऐसे लाना है कि यहाँ ब्लू आ जाए यहाँ रेड आ जाए। तो और ये पीस ऑब्वियसली हमने ये सॉल्व कर लिया है तो यहाँ तो नहीं होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ चार लोकेशन है, या तो यहाँ होगा या फिर इससे हट के जो भी बाकी के तीन हैं वहाँ हो सकता है। तो हमें ये पीस सर्च करना है कि यहाँ होना चाहिए, अगर यहाँ नहीं होता तो हम उसको यहाँ ले कर आएंगे पहले, फिर हम यहाँ ले कर जाएंगे। तो जैसे कि ये रहा ब्लू एंड रेड, तो अभी आपको करना क्या है कि ब्लू और रेड जहाँ भी मिले, तो आपको अगर यहाँ पे ब्लू है तो इसके ब्लू के साथ मैच करना है, जैसे कि तो आपने मैच कर दिया। उसके बाद आपको एल्गो फॉलो करना है, तो वो एल्गो कुछ नहीं करता है, वो इसको यहाँ लेके आ जाता है विदाउट डिस्टर्बिंग द ऑलरेडी क्रिएटेड क्यूब। तो आपको बस यही करना है, वो एल्गो इसीलिए है कि आपका ये यहाँ आ जाए और क्यूब डिस्टर्ब भी ना हो। सो इसमें दो केस बनते हैं, जैसे कि अभी जब भी आप सेंटर सेलेक्ट करोगे तो हमको हो सकता है कि ये अभी यहाँ से यहाँ लेके जाना है, ओके। सो इसके लिए एक एल्गो है, बट हो सकता है कि आई थिंक नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा मैं, जैसे कि इसको इधर लेके जाना है तो इसके लिए एक एल्गो है। और सपोज़ ये रहा, सपोज़ इसको इसे हमें अभी यहाँ नहीं लेके जाना, हमें इसको यहाँ लेके जाना, मतलब ग्रीन और रेड यहाँ सेट होगा। तो इस केस में हमें एच पीस को लेफ्ट साइड लेके जाना है, और जब एच पीस को हम राइट साइड लेके जाना है तो एल्गो अलग है, एच पीस को लेफ्ट साइड लेके जाना है तो एल्गो अलग है, लेकिन वो सिमेट्रिकल है। अगर आप एक का समझ गए तो सेकेंड का उसका जस्ट अपोजिट है। सो जो मैं आपको बताऊँगा तो आप समझोगे। तो हम पहले ब्लू और ये रेड को लेके जाते, तो इसमें एल्गो सिंपल है, हमको एच पीस को राइट में लेके जाना है। तो उसके लिए इसमें हम स्टार्ट करते हैं यू से, मींस अपर लेयर को हमको रोटेट करना है क्लॉकवाइज। तो इसे हम रोटेट करेंगे यू, तो फिर हमारा जो राइट है हमको राइट में लेके जाना है, तो राइट को ही मूव करना है। तो इसका होगा राइट को क्लॉकवाइज में यू आर, और जस्ट सिंपल एल्गो याद रखने के लिए, जो भी आपने दो स्टेप पहले लिए उसके अपोजिट नेक्स्ट है यू डैश आर डैश, ओके। ये हो गया है आपका एक। अब इससे नेक्स्ट एल्गो है जो आपको करना है, हमको ये जो है यहाँ लेके आना है, तो उसके लिए एक सिंपल एल्गो है। अब हम करेंगे ये यू डैश एंड फ्रंट जो है एफ को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे एफ डैश, फिर से इसको करेंगे यू एंड एफ, ये पीस यहाँ पे सेट हो गया। आपने अगर नोटिस किया हो तो जब भी हम दो, जो भी हम एल्गो के दो स्टार्टिंग के पहले मूव करते हैं उसके अपोजिट ही नेक्स्ट स्टार्टिंग के दो होते हैं। तो ऐसे करके हमको इसको यहाँ लेके आना है, ऐसे हम लेके आए तो इसका एक और वर्जन होता है। अगर आप ये फ्रंट यूज़ नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ यू एल और यू आर दो का यूज़ करके ही इसको यहाँ लेके आऊँ, तो उसकी भी एक एल्गो है। तो आगे के स्टार्टिंग के चार तो आपके सेम रहेंगे मूव, लेकिन बाकी के चार जो कि मैंने ये फ्रंट को इन्वॉल्व किया था वो इन्वॉल्व नहीं करना चाहते तो वो भी हो सकता है, तो वो भी एक एल्गो है, वो मैं बताऊँगा। तो चलो आपको बता ही देता हूँ, पहले इसको हम वापस लेके जाते हैं, ओके। सो अभी फिर से हम इसको यहाँ लेके आएंगे, ओके।
सो अभी मैं जो फर्स्ट एल को बताया था आपको, यू आर, यू डैश, आर डैश, यू डैश, एफ डैश, यू एंड एफ, वो था फ्रंट लेयर इंक्लूड करके, बट आप चाहते हो कि नहीं मुझे सिर्फ यू और राइट और लेफ्ट बस इनका यूज़ करके ही करना है, तो आपके लिए वो एल को भी रहेगा। तो अभी स्टार्टिंग सेम रहेगा, हमको राइट में लेके आना है, तो इसको हमको अवे लेके, एक्चुअली आप कैसे दे सकते हो कि हमको ये इधर ब्लू यहाँ लाना और रेड लाना है, तो जो रेड है, ये जो ब्लू है तो इस और रेड इस साइड है, तो इसके अवे हमारे हमें ये लेके जाना होता। मीन्स अगर रेड यहाँ होता तो जो भी ये सेम होते हैं तो इससे अवे लेके जाना होता, सिंपल का कॉन्सेप्ट है। मतलब इसमें ग्रीन ऊपर है तो ग्रीन से इधर हम अवे लेके जाएंगे, लेकिन इस केस में रेड जो ऊपर का है वो साइन इस साइड है, तो इससे हम अवे लेके जाएंगे। तो ये ऐसे याद रखने के लिए, ठीक है, फिर से करते हैं, यू आर, यू डैश, आर डैश, इतना सही रहे, इतना सेम है जैसे पहले बताया था। लेकिन अगर आपको एफ का इन्वॉल्वमेंट नहीं करना है तो क्या कीजिए, इस क्यूब को अभी क्या कीजिए, ये जो आपका सेट हुआ है जैसे कि वाइट आपका इधर दिख रहा है, तो इसको अपनी साइड रोटेट कर लीजिए। अब फिर से एक एल्गो है जो आपको लगानी है, एल्गो है कि यू डैश, एल डैश, और जैसे बताया दो ही रहते हैं, उसके अपोजिट नेक्स्ट स्टेप होता है, तो यू आपका वहाँ पे लग गया। तो ये दो एल्गोज हैं जो सेम आप यूज़ करके कर सकते हैं। ये तो हो गया जब हम आर राइट साइड लेके जा रहे हैं इसको, ठीक है। अब मैं लेफ्ट का करता हूँ,